कौन करेगा? मंगलाचरण कौन करना चाहेगा आज? आज हमारे भक्त नहीं आए और काफी सारे लोग, क्या हो गया आज? रोहित प्रभु भी गायब है आज। ठीक है, करिए। मैं करता प्रभु जी का। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरोम मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णु पदाय विष्णुपिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशताणिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरी शिव सदि गौर भक्तिविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद प्रभु जी का मंगलाचरण के लिए, लेकिन मंगलाचरण थोड़ा ऐसे घूमते फिरते नहीं करना चाहिए, एक जगह बैठ के करना चाहिए। एक्चुअली बस में बहुत लोग हैं ना, तो फिर हाँ मैं समझ गया, आपकी मजबूरी है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम अभी चल रहे हैं अध्याय 6 ध्यान योग में, जिसमें अष्टांग योग के बारे में चर्चा चल रही थी। ठीक है, तो 10, 11, 12 इन तीन श्लोकों में भगवान ने बताया कि किस प्रकार अष्टांग योग जो होता है उसको किया जाता है। तो 10 में बताया शरीर मन आत्मा को परमेश्वर में लगाएं, एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करें और अपनी आकांक्षाएं और संग्रह की भावना को खत्म करें। फिर 11वां और 12वां में प्रोसेस बताया कि करना कैसे है। इसमें 6 चीजें बताई। 6 चीजें कौन सी हैं? योगाभ्यास के लिए एकांत में जाना चाहिए और कुशा बिछा देना चाहिए, फिर मृगशाला बिछाना चाहिए उसके ऊपर, और उसके ऊपर मुलायम आसन बिछाना चाहिए, वस्त्र बिछाना चाहिए, ना तो बहुत ऊंचा हो ना तो नीचा हो, पवित्र स्थान में होना चाहिए सारा कुछ काम, और उसको चाहिए कि मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु में स्थिर करना चाहिए और हृदय शुद्ध करने के लिए करना चाहिए। तो ये एक्चुअल में जो है ना मेन ऑब्जेक्ट तो यही है कि हृदय शुद्ध हो इसमें से। ठीक है, ये कल हमने पढ़ा। और इसमें देखो भगवान इसमें अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जो है ना इसमें भक्ति योग भक्ति योग डाल दिया इन्होंने आखिरी में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हरे नाम हरे नाम एव केवलम हलो नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिरन्यथा। मतलब प्रभुपाद का कहना है कि आपसे ये सब नहीं होगा, आपके लिए तो बेस्ट यही है हरि का नाम करो, भक्ति योग करो, इस्कॉन के डिवोटी बनो, क्योंकि ये सब कलयुग में करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक 13 और 14 में इसी प्रोसेस में भगवान आगे बताते हैं कि किस प्रकार अष्टांग योगी के लिए और क्या क्या कंडीशन नियम कानून बनाए गए हैं। ठीक है, 13 और 14 समाकाय श्रीग्रीवं धारयन् चलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वहं दिशा च अनवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मत चित्त युक्तो आसीत मत परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो चरम लक्ष्य बनाना भगवान को जरूरी है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो पीठ है ना, स्वागत है रोहित प्रभु का, हरे कृष्णा।
देर लगी आने में लेकिन आए तो ठीक है। तो योगा अभ्यास करने वाले को चाहिए कि शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे। आजकल बैक के इतने सारे प्रॉब्लम हो गए हैं क्योंकि रीढ़ की हड्डी पीछे की सीधी रखते ही नहीं लोग। हमारे शास्त्रों में बोलते हैं, जो भी कथा जो भी हम सुनते हैं भगवान के बारे में ना, उत्कंठित होके सुनना चाहिए। उत्कंठित का क्या मतलब होता है? कंठ जो है ना ये ऊपर होना चाहिए, सीधा। उत्कंठित मतलब पूरी लाइन पीछे की सीधी, मतलब रीढ़ की हड्डी, उसके ऊपर कंठ, उसके ऊपर हमारा मस्तक, ऐसा सीधा होना चाहिए, उत्कंठित। लेकिन आजकल कोई करता ही नहीं, सबकी पीठें मुड़ी हुई हैं, ऐसे नीचे हो गए, झुक गए। तो झुकेंगे तो क्या होगा, वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पूरा रीढ़ के ऊपर आएगा, और उसके बाद जो है ना प्रॉब्लम बैक पेन की चालू हो जाएगी। तो ये लंबे समय तक अगर बैठना है आपको एक आसन में, तो बैक शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट। करना क्या, लेकिन उसके बाद करना है नाक के अगले, नाक के ये पॉइंट जो होता है ना उस पर दृष्टि लगाना, ध्यान करना। एक बार सब करके देखो तो नाक के सामने की दृष्टि लगा के देखो कैसा लग रहा है। कर पाएंगे क्या थोड़ी देर तक, आधा एक घंटा तक? ऐसा सही घूमना चालू हो जाएगा, चक्कर आना चालू हो जाता है नाक के अग्र भाग में देखना। ये हमसे नहीं होगा, मुश्किल है। इस प्रकार वह अचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा, और अपने हृदय को मेरे चिंतन में करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य लगाए। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। क्या कहते हैं भगवान, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। तो जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। एक आता है श्रीमद् भागवतम में 5.5.1, जिसमें ऋषभ देव कहते अपने बच्चों को, 100 बच्चों को ज्ञान देते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र थे भरत महाराज, जो कि जड़ भरत बने थे, है ना। तो ऋषभ देव अपने बच्चों को कहते हैं 5.5.1 में, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा है, पुत्र इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत टिकने वाला है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। ऋषभ देव कहते हैं अपने पुत्रों को कि जीवन का उद्देश्य क्या है, श्रम करके खाली इंद्रिय तृप्ति करना, कुकर मतलब तो कुत्ते और सुअरों भी कर लेते, कह रहे कितना, मतलब देखो कंपैरिजन किससे कर रहे, कुकर और सुकर भी करते। वाकई में अगर गहराई में जाएंगे तो सुअर भी बड़ा आनंद प्राप्त करता है मल खा के, ताजा ताजा मल खाता है, बोलता है वाह मेरा तो दिन सफल हो गया, बैठे बैठे मेरे को जो है ना आनंद मिल रहा है, क्योंकि उसको वो पसंद है। आज हम चाइनीज को खाते देखते हैं, सांप और बिच्छू मेंढक, हम जाना ऐसा करते उल्टी आ रही, क्या खा रहे ये लोग, इंसान है कि क्या खाते हैं, लेकिन उनको उसमें आनंद मिल रहा है, उनको मजा आ रहा है। उसी प्रकार सुअर को भी मजा आ रहा है मल खाने में, आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो कुत्ते और सुअरों से कंपेयर कर रहे कि वो भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और वो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मेहनत करते हैं खाने पीने के लिए। तो हमको इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठना है, हमारे को दबो दिव्यम दिव्य प्राप्ति के लिए तपस्या करनी, दिव्य पद की प्राप्ति के। ठीक है, आगे कहते हैं, योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु की इसी अंतर्यामी रूप की खोज करना तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो योगाभ्यास का अल्टीमेट टारगेट यही है कि भगवान की प्राप्ति। अंतर्मय विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति में हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्व अंश रूप है। तो अंतर्मय विष्णु मूर्ति मतलब परमात्मा की बात चल रही है। परमात्मा के बारे में ना एक श्लोक आता है 13.23, खोलेंगे
वहां पे परमात्मा की ना व्याख्या की गई है 13.23, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उपयुक्तो देहिनो अस्मिन् पुरुषः परः। मतलब तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि परमात्मा की डेफिनेशन क्या है, परमात्मा का मतलब क्या होता है, तो आप ये डाल सकते हो, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च उपयुक्तो देहिनो अस्मिन् पुरुषः पर। ठीक है, तो एक और अन्य ईश्वर है जो सबके हृदय में निवास करता है, जो परमात्मा के रूप में रहते हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है वह निस्संदेह अपने समय को अव्यय करता है। तो अगर आपको अगर ये टारगेट नहीं है तो आपका सब बेकार है, पूरी योगा करना बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है ऐसा करने का। ठीक है, तो ये बाकी चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ध्यान योग में बैठे बैठे थकान होती है परंतु कीर्तन में नहीं होती। तो ये हम इसमें ना एक काम कर सकते हैं, एक योगाभ्यास और एक भक्ति योग जो हम करते हैं और एक जो अष्टांग योग, इनका एक कंपैरिजन कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि पहला जो है ना इसका अल्टीमेट जो है ना, इसमें ईश्वर को मतलब व्यक्ति रूप में नहीं माना जाता और भक्ति में भगवान को साक्षी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड माना जाता है। और अष्टांग योग में जो है ना तरह तरह की आसन होते हैं, 9 आसन होते हैं, 9 आसन बताऊं उसमें, उसमें मैंने कल निकाला था आप ही लोगों के लिए कि आपको मैंने डिटेल में बताऊंगा कि जो 9 आसन होते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 9 स्टेजेस होती हैं। तो एक मैंने ना वर्किंग करके आप लोगों के लिए निकाला है, इसमें क्या 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 कहता है, यम क्या होता है, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है, थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए ताकि कितना हार्ड है ये। यम का मतलब है जो शास्त्रों में पतंजलि योग पीठ में लिखा गया है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, अपने मुंह से कुछ नहीं बता रहा हूँ, है ना, पतंजलि पद्धति में जो बताया जा रहा है। यम का मतलब होता है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, उपनिग्रह और अस्तेय, ये 5 चीजें बताई गई है यम का मतलब। अब आपको खोजना पड़ेगा, अगर खोजना है तो निकाल लो डिटेल बैठ के, यूट्यूब में, गूगल में, जहां पे निकालना है निकालो, क्योंकि इसके डिटेल में अपन नहीं जा सकते इतना समय नहीं। नियम का मतलब होता है शौच मतलब पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ये होता है नियम का मतलब। और आसन का मतलब होता है स्थिरता और सुख, मतलब ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आपका मन बुद्धि सुखी हो और आपके अंदर स्थिरता आनी चाहिए, शरीर के अंदर मन मन बुद्धि के अंदर स्थिरता, ये आसन कहते हैं, है ना। प्राणायाम किसको कहते हैं, सांस की गति का प्रॉपर उच्छेदन, उच्छेदन मतलब उसको ऐसा डाइसेक्ट नहीं करते थे, जैसे 11th 12th के बच्चे होते हैं ना बायोलॉजी में, उनको ना कॉकरोच दिया जाता था पहले, मेंढक दिया जाता है, इसको काटो, इसका डाइसेक्ट करो, देखो अंदर क्या क्या है इसके। तो उसी प्रकार सांस का प्रॉपर उत्छेदन करना है, उसके अंदर भी काट छाट के निकालना है कि सांस अंदर जाते समय कैसी, बाहर जाते समय कैसी, गति कैसी, पूरी भर रही है कि नहीं भर रही है, कितना रोक के छोड़ना है, तुरंत छोड़ना है, लेना है, ये सारी चीजें आएंगे प्राणायाम में। और प्रत्याहार किसे कहते हैं, इंद्रियों को विषयों से कनेक्शन काटना और चित्त का एक्सपेंशन करना। ठीक है, ये है प्रत्याहार। हमको मालूम ही नहीं था प्रत्याहार का मतलब, हम सोचते थे खाने से कुछ रिलेटेड होना चाहिए। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को विषयों से कनेक्शन काटना। ऑब्वियसली इसमें ये भी आ जाएगा, जैसे जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम ये चाहते हैं वो खाएं, उनसे सबसे दूर। और चित्त का एक्सपांशन, चित्त मतलब पूरे शरीर और हर कहीं चित्त का व्यापक होना, चित्त को। और धारणा किसे कहते हैं, धारणा मतलब सारे चक्र होते हैं जो हमारे अंदर, नाभि चक्र, हृदय चक्र, जीवा चक्र, कपाल चक्र, नाक चक्र, इस तरह के चक्र हैं हमारे अंदर।
इनके संबंध की वृत्तियां, इनकी वृत्तियां होती हैं कुछ, उनका उनके जो है उसी का रिलेशन है धारणा। और ध्यान किसे कहते हैं? हृदय देश में विषयों का चिंतन खत्म करना, मतलब ध्यान इज लाइक यू नो अपने सारे विषयों को हटा देना अपने हृदय से, हृदय देश में विषयों का चिंतन खत्म करना। और समाधि मतलब ध्यान से ध्येय से भगवान स्वरूप प्रतिष्ठा करना, भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा करना, ध्यान समाधि इसे कहते हैं। तो ये है अष्टांग योग। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक योगी और एक भक्ति में क्या क्या फर्क। योगी को अपनी इंद्रियों को बड़ा वश में करना पड़ता है, उसको एकांत में जानना पड़ता है, लेकिन भगवत भक्त जो है ना सबके बीच में रहता है, उसको इंद्रिय तृप्ति को इंद्रियों को दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंद्रियों को भगवान की सेवा में जो है ना, कल हमने पढ़ा था युक्त वैराग्य करना, सारे विषयों को जो कृष्ण से संबंधित है उसको स्वीकार करना है और जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको त्याग करना। और क्या डिफरेंस है योगी और भक्ति में, बताओ जल्दी जल्दी, एक दो पॉइंट आप लोग भी बताओ। योग पद्धति में ना ये भावना रहती कि मैं करने वाला मैं हूं, उसमें कर्ता अहम इति मन्यते, ये भावना रहती कि मेरे को करना है ये सारी चीजें। लेकिन भक्ति में ऐसा रहता है कि करने वाला तो प्रभु है, हम कौन होते हैं, हम तो खाली उनके सेवक हैं। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। योग पद्धति में जो होते हैं ना सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, कई बार जो है ना सिद्धि भी प्राप्त करने के लिए लोग करते हैं, लेकिन भक्ति में सिद्धि तो ऐसी मिल जाती है बिना कुछ किए, भगवान की कृपा से वैसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और योग पद्धति में जो है ना मतलब ऑटोमेटिकली जो है ना योग पद्धति में वैराग्य लाना पड़ता है, त्यागना पड़ता है सब चीजों को, लेकिन भक्ति में ऑटोमेटिकली वैराग्य आ जाता है, ऑटोमेटिकली जो भगवान से जुड़ी चीजें बस उसी में इंटरेस्ट बनता है, बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं बनता। और वहां पे सब कुछ छोड़ना पड़ता है, घर परिवार संसार एकांत में जाके रहना पड़ता है, यहाँ छोड़ने की जरूरत ही नहीं कुछ चीजों को, उसमें बहुत सी चीजें आहार निद्रा सब चीजों को कैलकुलेशन में करना पड़ता है, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें आप जो है ना आहार ऐसा नहीं है, जो आपको पसंद है आप खा सकते हो, लेकिन भोग लगा के खाओगे आप, उसमें ऐसा नहीं है, पसंद है उसको वर्जित है तो नहीं खा सकते आप। तो ऐसे डिफरेंस निकाल सकते हो आप लोग सब, और भी काफी सारे पॉइंट आएंगे हमारे बीच में, ठीक है। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना हमने डिस्कशन नहीं की है, इसमें ब्रह्मचर्य लिखा है यम में, मैंने आपको बताया यम मतलब अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य उपनिग्रह और अस्तेय। तो ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व है योग में, ब्रह्मचारी होगा तो ही वो अष्टांग योग पतंजलि सूत्र में कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। जो इसमें अपना काम वासनाओं में ज्यादा लिप्त है ना मैथुन में, वो कभी नहीं कर सकता, वो योगा योग पद्धति में आगे नहीं बढ़ सकता। ये चीज लिखी भी है यहाँ पे। एक महान ऋषि यज्ञ वल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, एक श्लोक आता है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वा वस्तु वस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रच्छते। सभी काल में सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। पूर्ण रूप से इससे दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। आगे कहते हैं, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता होता ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु से में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनाने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता था। तो आज की इस एजुकेशन में बच्चों को कोई देता ही नहीं है ये एजुकेशन, इसलिए बच्चे बचपन से ही गलत संगति में पढ़ के बिगड़ जाते हैं। कोई ज्ञान ही नहीं, न स्कूल दे रहा है, न गुरु दे रहा है, न घर वाले दे रहे हैं, कौन ज्ञान देगा उनको, उनको मालूम ही नहीं सही और गलत क्या है। इसके लिए
हम जैसे इस्कॉन के डिवोटी होते ना, हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, हम लोगों को ये ज्ञान देना पड़ेगा आने वाली नई जनरेशन को कि भाई बचपन 25 साल 20-25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अत्यधिक जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है ना, आगे चल के उसका जीवन सुखमय होता है, उसके पास वो कैपेसिटी रहती है, कैचिंग पावर रहता है, समझने की शक्ति रहती है। जितना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेगा, जितना ये सब चीजों को छोड़ देगा, उतना वो वीक हो जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग वीक हो जाएगी, लॉजिकली टेक्निकली बुद्धि पूरी कमजोर हो जाएगी। तो बच्चों को समझाना हमारे को बहुत आवश्यक है। आजकल के बच्चे बेचारे दोस्ती यारी स्कूल यार में ये सब देख के, मोबाइल वीडियो में देख के परेशान होके गलत सलत काम करते हैं, तो इसमें हमको शर्माना नहीं चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए, उनको समझाना चाहिए ये सब गलत है बेटा, ये सब मत करो आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ कहा गया है, लेकिन जो किंतु जो व्यवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन संबंध रखता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो एक निष्ठ होके जो और संयमता से बैलेंस्ड रिलेशन मेंटेन करता है वो भी ब्रह्मचारी कहलाएगा। ऐसा नहीं, दो होते, गृहस्थी और गृहमेदी। गृहमेदी मतलब शादी और वो खाली अपने मजे के लिए किया है, ये होता है गृहमेदी। और गृहस्थ आश्रम जो होता है ना, वो होता है कि आश्रम है, वो भगवान का घर है, सब चीज भगवान की दी हुई है, इसलिए उसको भगवान की सेवा में और मतलब बैलेंस तरीके से यूज किया जाए, ठीक है, अपनी खाली तृप्ति के लिए उसको यूज ना करें, ठीक है। एक श्लोक दिया भगवत गीता का, कोट किया है, विषय विनिवर्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज्य रस्यो अपवस्य परम दृष्टवा निवर्तते। मतलब जहां अन्यों के विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भगवत सागर रसवादन के कारण इंद्रिय तृप्ति में स्वतः विरक्त हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा था हायर टेस्ट के लिए, इसका अनुवाद नहीं लिखा है, कि जब आपको हायर टेस्ट मिल जाता है तो आप लोअर टेस्ट को वैसे ही छोड़ देते हो। किसी ने आज तक जो है ना, अगर खीर नहीं खाई है, खाली उसने रसगुल्ला खाया है, खीर कभी खाया ही नहीं, उसको जब खीर खिलाओगे तो उसको इतना मजा आएगा, बोले अरे रसगुल्ला तो बेकार है इसके सामने। वैसी है जो भगवत भक्ति में आता है, जिसने भक्ति का आस्वादन किया, जो भगवान की कीर्तन कथा में आनंद लेना जिसको मिल चुका है ना, उसको भौतिक ये काम और इंद्रिय तृप्ति में उसको आनंद आएगा ही, वही चीज यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। एक और श्लोक आया है भागवत का, 11.2.37 में कथन है ना, इसमें कहा गया है, कृष्ण भावनामित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। तो जो आजकल हो रहा है उससे भिन्न है ये, एक्चुअल में ये बताए। तो योगी जो होता है ना और जो भक्त होता है, इनका डिफरेंस आपने समझ लिए होंगे। भक्त जो है ना इस्कॉन का, वो है ही योगी एक्चुअल में, लेकिन योगी जो है ना, वो एक्चुअल में योगी है कि नहीं है, वो तो उसका एंड रिजल्ट बताएगा, ठीक है। आगे बढ़ें या किसी को कोई कहना है, डाउट है, ठीक है। श्लोक क्रमांक 15 में प्रवेश करते हैं हम लोग। युज्जन एवं सदा आत्मनः योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ योगी, जो योगाभ्यास में लगा हुआ है, उसका अंतोदगत्वा क्या होता है। इसमें एक चीज आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसमें लिखा है, इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर मतलब ऑलवेज,
है ना, ऑलवेज संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व में की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो ऑलवेज अगर वो शरीर मन तथा कर्म ये तीनों में योग का अभ्यास करेगा तब जाके उसको भगवत धाम प्राप्त होगा। अंतोत गत्वा मतलब अगर कहीं पे भी उसने कुछ मिस्टेक कर दी, इंद्रिय तृप्ति अगर आ गई बीच में, या कहीं कुछ और प्रॉब्लम आ गई, कोई एक चीज मन भटक रहा है, शरीर में तकलीफ आ रही है, शरीर नहीं समाज शरीर साथ नहीं दे रहा है, या वाणी वेग वाणी का वेग आपको जो है ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, खाने का वेग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा, पूरी तहस नहस हो जाएगी, फिर जीरो से चालू होगा। क्योंकि धर्म का जो है ना सिर्फ वही चलता है, बाकी सारी ये योगाभ्यास नहीं चलते हैं। जब इंद्रिय तृप्ति में लग गए तो फिर खत्म हो जाएगी कहानी, आपने भगवान की तो भक्ति की नहीं, आपने तो खाली जो है ना निराकारवादी रहे। ठीक है, पुण्य जरूर मिलेगा, पुण्य का आपको प्राप्ति होगी, सुख के सुख मिलेगा, स्वर्ग धाम में स्वर्ग लोग जाएंगे, और हो सकता है ऊपर के लोकों में भी चले जाए, लेकिन भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। बहुत बहुत ज्यादा देखो मतलब बड़ा फूक फूक के कदम रखना है इसमें, अंत तक इसको चलने देना पड़ेगा, नहीं तो कहीं पे भी अगर छूटा तो फिर गए काम से। तो इसमें तात्पर्य में कहते हैं, अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है, है ना। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। तो योगियों को कई बार हमने देखा सिद्धि मिल जाती है तो उसी में खुश हो जाते हैं और अपने आप को भगवान कहलाने में आगे आ जाते हैं। किसी को बस कुछ सिद्धि है, किसी के पास कुछ सिद्धि है तो बस वो सिद्धि का प्रचार करते हैं, लोगों के बीच में चले जाते हैं, फिर अपना नाम निकालते हैं, अपने शिष्य बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये चीज नहीं बताई गई भगवद्गीता में, ये योगाभ्यास नहीं है। और आगे कहते हैं, उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वह स्थान है जहां न सूर्य है, न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली। तो ये कौन सा श्लोक है? 15.06, जिसमें भगवान कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मतलब मेरा एक ऐसा धाम है जहां सूर्य भी नहीं है, जहां चंद्रमा भी नहीं है, न पावक वहां अग्नि भी नहीं है, तो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वहां तो स्वतः भगवान के अंदर से, भगवान की ज्योति से प्रकाश आता है वहां। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो एक बार वहां चला जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, दोबारा कभी नहीं आता वो, तद धामम परमम मम, वो तो परम धाम है, वो मेरा धाम है परम, तद धामम परमम मम, वो भगवान का धाम है, सबसे ऊपर है। तो कभी कभी मैं सोचता हूं तो मेरे को ना दिमाग काम नहीं करता कि भगवान का धाम कैसे होगा। एक तो वहां काल शक्ति नहीं, सबसे बड़ी बात, आप सोचो समय नहीं है वहां पर, बिना समय के कैसे कैसे वहां काम होगा। सब लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वहां जो है ना बोलते हैं जो फूल होते हैं वो भी भगवान के गुणगान करते हैं, जो पेड़ होते हैं वो भी भगवान के गुणगान करते हैं, जो जो मतलब हमारे हिसाब से जो डेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी वहां पे भगवान का गुणगान करती है। ऐसा है वो धाम, मतलब हर चीज वहां पे जो है ना चेतना युक्त है, हर चीज में भगवान के गुणगान करने की, भगवान की भक्ति रहती, भगवान के वस्त्र, भगवान के कुंडल, भगवान का आसन, भगवान के रथ, सब चीज चिन्मय है वहां पे, उनके अंदर भी भगवान की चेतना है और वो भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। सबका टारगेट एक ही है वहां पे, किसी का अलग अलग टारगेट नहीं है कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए, भगवान की सेवा मिल जाए हमको कुछ, और वहां जो चिंतन करो सब प्राप्त हो जाता है, इसलिए श्रम करने की जरूरत ही नहीं। आपने चाहा पैसा, आपको चिंतन से मिल जाएगा, आपने चाहा मेरे को ये खाना है, वो चिंतन से मिल जाएगा, चिंतामणि है वो, और सब कुछ है वहां पे, तो श्रम करने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। करना क्या है, सिर्फ भगवान की सेवा करनी।
और काल भी नहीं, समय भी नहीं, बुढ़ापा नहीं आएगा वहां पे, जवानी वैसी रहेंगी, जैसे हैं वैसी रहेंगे हमेशा। पता नहीं कैसा धाम है, लेकिन है। ठीक है, तो आगे क्या है, एक ब्रह्म संहिता का श्लोक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, ब्रह्म संहिता 5.37 स्पष्ट उस उल्लेख है, गोलोक एव निव निव सत्य खिलित आत्मा भूत, यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा हैं। तो वो अपना एक्सपांशन करते हैं परमात्मा ज्योति के रूप में, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें एक और श्लोक का वर्णन है, सव मन कृष्ण पदारविंदयो, ये कौन है, पढ़े हमने, किसने कहा है, किसके बारे में कहा गया मालूम है क्या? सव मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणाणु वर्णने, याद है किसी को? बहुत बार पढ़ा हमने, ये है अम्बरीश महाराज के बारे में बताया गया है, 9/4/18 से लेके 20 तक। सव मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणाणु वर्णने करो हरेर मंदिर हरेर मंदिर मार्जन आदिशु श्रुतिम च अक्ष कर अच्युत सत कथा उदय, मतलब हमेशा सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगे रहते थे अम्बरीश महाराज, कर्मेंद्रियां हों चाहे इंद्रियां हों, सबको भगवान की सेवा में लगाते थे, ये बताया गया यहाँ पर। और एक उपनिषद श्वेताक्षर उपनिषद 3.8 का वर्णन आता है, तमेव विदितवादी मृत्युमेति, मतलब केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। तो हमारे भगवत गीता में भी यही श्लोक है, एज इट इज कौन सा श्लोक है, हमने पढ़ चुके हैं, जन्म कर्म छे दिव्यम, यही वाले हैं। बताइए पूरा, जन्म कर्म छे दिव्यम, तो मुझे थोड़ा सा वो है और कोई जिसको याद हो, जन्म कर्म से अर्जुन ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, थोड़ा बीच का भूल गया। बहुत अच्छा है, आपको कुछ तो याद है, कुछ नहीं अच्छा खासा याद है, 75% याद है। और किसी को? बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत बार पढ़ा है हमने और इसको याद भी कराया था मेरे ख्याल से हमने। मुझे मैं कोशिश जन्म करूं जी, माता जी बोलिए। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वतः नैति जन क्या है थोड़ा बहुत नैति देहम पुनर्जन्म यो ठीक है सत्यम प्रभु आप बोलो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वृत्ति, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वृत्ति तत्वतः पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। आप भी 85% तक तो पहुंच ही गए हो, ठीक है। एक मिनट का प्रभु जी, तय तत्व देहम पुनर्जन्म यो वृत्ति यो वृत्ति दूसरों को भी चांस दे दो, ठीक है जी। ललिता माता जी आप बोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता तैत्तवा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन। अरे वेरी गुड, तालियां, बहुत ही सुंदर, हरी बोल। आपने देख के तो नहीं पढ़ पढ़ देख के तो नहीं बोला? नहीं नहीं प्रभु जी, बिना देखे याद था जी। अरे बहुत सुंदर, श्लोक क्रमांक कौन सा है प्रभु जी? एग्जैक्ट याद नहीं, श्लोक
श्लोक याद है लेकिन इसका नंबर याद नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो श्लोक नंबर 4.09, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयेति ममेति सो अर्जुन। मतलब जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है, उसको तत्व से जानता है, त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन ये समझ लो। तो भगवान के जन्म और कर्म इसको समझना बहुत जरूरी है। बस पूरी भगवद गीता भागवतम इसी पे बेस है, सारे वेद यही कहते हैं, सारे वेदों का सार ही यही है कि भगवान का जन्म समझ जाएं और उनके कर्म समझ जाएं। बस किस प्रकार वो कर्म किए, किस प्रकार वो इस धरातल पे आते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं। कई लोग सोचते हैं वो पैदा होते हैं, कई लोग सोचते हैं मर जाते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता तीर लगी पैर में और चल बसे। ऐसा थोड़ी है भगवान का, वो तो दिव्य है, दिव्य उनका शरीर ही दिव्य है। वो हमारे जैसे ये भौतिक पंच तत्व के शरीर को नहीं लेके आते हैं, वो दिव्य शरीर के साथ आते हैं इस धरातल पर। उनका कर्म अगर देखें हम तो एक छोटी सी उंगली में पूरा पहाड़ उठा लिया उन्होंने, 7 दिन 7 रात तक। कौन कर सकता है ऐसा? फिर भी लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि हम तो जो है ना भगवान के बताए हुए, भगवान जो करते थे हम भी वही करेंगे, एज इट इज। हम भी भगवान है, छोटे भगवान है लेकिन हम भी भगवान। तो भगवान के जन्म को लेके बड़े संशय है लोगों के अंदर। तो कई लोग कहते हैं कि जब कंस को मालूम था कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, तो उनको एक कारागार में क्यों रखा, अलग अलग क्यों नहीं रखा? बोले अलग अलग रखता तो बच्चे नहीं होते। तो ये भौतिक सोच है हमारी कि ऐसा ऐसा बच्चे पैदा होने की ऐसी प्रक्रिया है, लेकिन दिव्य है भगवान का जन्म। कहते हैं शास्त्रों में कि जब हृदय से भगवान को याद किया वसुदेव ने, देवकी ने, तब भगवान जो है ना देवकी के हृदय में प्रवेश किए, फिर उसके बाद हृदय से नीचे फिर उनके गर्भ में प्रवेश किए भगवान। और गर्भ में जब प्रवेश किए तो भगवान जो है ना गर्भ में रहे नहीं 9 महीने तक। ऐसा नहीं था कि 9 महीने तक भगवान गर्भ में थे। भगवान ने योग माया अपनी शक्ति से गर्भ में उसको ऐसा एहसास दिलाया कि इसमें एक बालक है, और योग माया ने उस गर्भ को संभाला 9 महीने तक, और उसको ऐसा लगा कि इसमें एक बच्चा है। और जब बच्चे समय आया तब योग माया की शक्ति से जो है ना उसको वहां से हटाया गया, गर्भ को खाली किया गया, और भगवान दिव्य रूप में, चतुर्भुजी रूप में वसुदेव के हाथों में भगवान उनकी गोद में आ गए। चतुर्भुजी रूप में आए थे ना, याद रखिएगा। तब इन लोगों ने भगवान को प्रणाम किया, दोनों देवकी और वसुदेव ने, और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना नॉर्मल बालक के रूप में आइए, ऐसे में तो आपको कोई भी पहचान जाएगा, फिर आपको हम कैसे बचाएंगे, हम ये लोग सब जो है ना गलत हो जाएगा। फिर भगवान उनकी विनती सुन के अपना चतुर रूपी रूप को बंद करके उन्होंने नॉर्मल एक शिशु का रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान का जो है ना जन्म है, और भी इसमें बहुत बारीकियां हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो भगवान का जन्म और कर्म ये समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है ना उपलब्धि है, बहुत बड़ी मान, मतलब बहुत बड़ा काम है ये मान समझना, क्योंकि बहुत इसमें संशय है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। 41, तो एक श्लोक और ले लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। किसी का कोई डाउट आउट है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें क्या? ठीक है, 16 नंबर। न अति अश्नता तु योगो अस्ति न च एकांतम अनशनत न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है,
उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। बेसिक कंडीशन, खाना खाना और सोना, इसके बारे में बताया कि जो ज़्यादा खाता है वो नहीं बन सकता योगी, और जो कम खाता है वो भी योगी नहीं बन सकता, और जो ज़्यादा सोता है वो योगी नहीं बन सकता, और जो कम सोता है वो भी नहीं बन सकता। तो एक ना ध्रुव महाराज की, इसमें मैं पढ़ रहा था एक जगह, आपको पढ़ के सुनाता हूँ किस प्रकार ध्रुव महाराज ने योगाभ्यास किया था, ये अभ्यास किया था। भागवत 4.8.72 से लेकर 76 तक में इसका वर्णन है। इसमें कहते हैं कि 5 वर्ष के बालक ने पहले महीने, ध्रुव महाराज की बात चल रही है, ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक थे, उन्होंने पहले महीने 3-3 दिनों में केवल एक बार कैथे और बेर का भोजन किया। फिर दूसरे महीने में बालक ने 6-6 दिन में केवल एक बार सूखे पत्ते का भोजन किया। तीसरे महीने में बालक ने 9-9 दिन में केवल एक बार जल पिया। चौथे महीने में उस बालक ने 12-12 दिनों में केवल एक बार वायु का भोजन किया, अर्थात केवल एक बार सांस ली। फिर 5वें महीने में उस बालक ने अपनी सांसें भी रोक ली, इस प्रकार वायु का भी भोजन बंद कर दिया। फिर 6वें महीने में वह बालक अपनी श्वास को रोके हुए केवल एक पैर पर खड़ा रहा। तो ये ध्रुव महाराज की तपस्या थी, ध्रुव महाराज ने किस प्रकार भगवान की 6 महीने तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया। तो कहते हैं जो सत्युग में लोग थे ना, उनके प्राण हड्डियों में रहते थे, हड्डी में थे उनके प्राण, इसलिए मरते नहीं थे, वो सांस छोड़ दें, शरीर को जो है ना दीमक खा ली। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि थे जो देखते उनके ऊपर पूरा दीमक दीमक लग गया। ऋषि जो थे ना, एक चवन ऋषि की कथा आती है, चवन ऋषि जो एकदम योगाभ्यास में थे, और एक राजा की पुत्री थी, नाम तो मैं भूल गया, जिसको न सिर्फ उनकी आंखें दिख रही थी बाकी पूरी मट्टी मट्टी दिख रही थी, ऐसा पूरा दीमक लगा हुआ पूरा शरीर में, आंखें दिख रही थी। तो उसको लगा पता नहीं क्या है, तो उसने आंखें उसकी फोड़ दी पत्थर से, ऋषि की, तो आंख फूट गई, तो उससे पूरा अंधे हो गए बेचारे। और उसने श्राप दे दिया था पूरे राज्य को, श्राप भी बड़ा अजीब टाइप का था कि इस पूरे राज्य में सबको जो है ना कब्ज हो जाएगा, कोई भी जो है ना मोशन नहीं कर सकता पूरे राज्य में। तो सब परेशान हो गए, पूरे राज्य में धीरे धीरे फैला कि मेरे को भी नहीं हो रहा मोशन, किसी को नहीं हो रहा, किसी को नहीं हो रहा, सब बंद, परेशान हो गए सब। राजा बोले अपनी प्रजा से, ढूंढो ढूंढो क्या हो गया, सब ऐसे कैसे हम सबका बंद हो गया ये। तो धीरे धीरे पता लगा, तो पता पड़ा एक ऋषि है जो जिसकी आंख फूट गई है और उसकी आंख से खून निकल रहा है। तब वो लोग गए उससे बात करने, तब धीरे धीरे पता चला कि राजा की बेटी ने ही उसकी आंख फोड़ दी, इस कारण उसने श्राप दे दिया पूरे राज्य को। फिर उस राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे करा दी कि ठीक है इसी की गलती, अब यही सजा भुगतेगी और ये आपको सेवा करेगी आपकी पत्नी बनकर। वो छोटी सी लड़की मतलब 16-17 साल की, और ये ऋषि बहुत वृद्ध, बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा था वो। तब ऋषि की सेवा की, तब ऋषि ने फिर जो है ना धीरे धीरे उसको खराब लगा कि मैंने इसको अपनी पत्नी बना के सेविका बना लिया। फिर उसने दोनों जो है ना अश्विनी कुमारों को बुलाया, और अश्विनी कुमारों को बोला कि मेरे को ठीक करो और मेरे को एकदम यौवन अवस्था दे दो ताकि मैं इसके साथ जो है ना इसके जैसा बन सकूं। तब उनकी बात सुन के अश्विनी कुमारों ने उनको एक ऐसा पराश दिया था जिसको खा के वो एकदम जवान हो गए थे, उसी से बना था चवन पराश, आज भी खाते ना चवन पराश, वही है चवन पराश। तो फिर वो जवान हो गए। फिर एक बार राजा देखने आते अपनी पुत्री को, तो देखे कि वो जवान लड़के के साथ बैठी हुई है। बहुत डांटा पुत्री को कि तू क्या कर रही, तेरी शादी हमने साधु के साथ करा दी, तू जवान लड़के के साथ बाहर क्या कर रही। तो फिर उसने बताया यही है वो साधु, ये अब जवान हो गए और ये हैंडसम हो गए, अब पहले बुढ़े थे अब हैंडसम हो गए। तो कथा अच्छी है वो, बड़ी भागवत में है वर्णन। तो ऐसे जो है ना मैंने बताना चाह रहा हूँ कि बहुत योगी हुए जो अपनी अपनी शक्ति से इवन देवताओं को बुला लेते थे, इतनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी योगाभ्यास से, योग से। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा सोता है उसके लिए पॉसिबल नहीं, जो कम सोता है उसके लिए भी पॉसिबल नहीं।
तो इसमें लिखा है कि 6 घंटे सोना चाहिए हमारे लिए। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि ज्यादा नहीं खा सोना चाहिए और कम सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए। तो हमको 6 घंटे सोना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। आप लोग 10 बजे सो जाएं और 4 बजे उठ जाएं, ऐसा ऐसा हमारे शेड्यूल होना चाहिए। लेकिन बड़ी मुश्किल है, कलयुग है, पूर्ण रूप से इतना भी नहीं हो पाता। लेट हो जाती, कई बार 10:30-11 बज जाते मेरे को तो कई बार। लेकिन हमारे बीच में काफी भक्त हैं जो 3:30-4 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें तमोगुणी रजोगुणी का भी व्याख्या की गई है, तो थोड़ा सा हम कल पढ़ लेंगे इसका जो है ना तात्पर्य। ठीक है, तो एक बार ना अपनी सोने की हैबिट के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि भक्तों को कितने बजे खाना चाहिए और कितने बजे सो जाना चाहिए। भक्तों को मेरे ख्याल से 8 बजे खाना खा लेना चाहिए और पहले खा लेना चाहिए, 7 बजे वैसे तो खा लेना चाहिए, और एनी हाउ 9:30-10 बजे तक सो जाना चाहिए। तो कर पा रहे हैं सब लोग ये? तो मुझे खाना हो जाता है, सोना वही 10-10:30 तक होता है। जो जल्दी उठेगा ना उसको फिर जल्दी सोना भी पड़ेगा। लेकिन बड़ा मुश्किल है, हम तो कर भी लें लेकिन बाकी घर वाले बच्चे परेशान कर देते, सोने नहीं देते इतनी जल्दी। हाँ प्रभु जी, मैं मायापुर गया था ना, तो मायापुर में सब ना सो जाते हैं 9-9:30 बजे तक, और सुबह मतलब सब जल्दी उठ जाते हैं, सब मंगल आरती वगैरह में जाते हैं, फिर अपना काम में चले जाते हैं। वहां का तो धाम की तो बात ही अलग है। वहां तो हमारे साथ भी यही था, हम भी उठ जाते थे बड़े 4 बजे उठ गए, 4:30 बजे मंगला आरती में पहुंच जाते थे। वहां का तो और ही ऐसा, सब के सब वही कर रहे हैं तो हमको भी वही करना है। सब 9 बजे सो रहे हैं तो हमको भी सोना पड़ेगा, क्या करें। तो ये हैबिट डालनी चाहिए अपने अंदर जल्दी सोने की, तभी हम जल्दी उठ पाएंगे। जल्दी उठ पाएंगे तो सतोगुण की वृद्धि होगी, सतोगुण की वृद्धि होगी तो बाकी गुण नीचे चले जाएंगे, और जैसे जैसे सत्वगुण की वृद्धि होगी तो हमको जो है ना ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वता, भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में। एक मिनट लोग बताता हूँ। फोर्टीन पॉइंट एटीन खोलेंगे। फोर्टीन पॉइंट एटीन यहाँ कहते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्पस्था मध्य मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणान वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। मतलब जो सतोगुण में स्थित होता है ना वो ऊपर के लोकों में जाता है और ऊपर की योनियां प्राप्त होती है उसको, और जो रजोगुण में रहता है उसको मध्यम लोक, वापस से पृथ्वी में आएगा, और जो तमोगुण में रहता है उसको नीचे के लोक और नीचे की योनियां प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार हमको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमको सतोगुण में रहना चाहिए। सतोगुण मतलब खुद की हैबिट्स डालनी पड़ेगी आपको, मजबूरी करनी पड़ेगी, जबरदस्ती करनी पड़ेगी अपने साथ। जल्दी सो जल्दी उठो तो सतोगुण में आएंगे धीरे धीरे। तो सत्यम प्रभु का आया कुछ मैसेज, क्या कह रहे हैं। मैं नोएडा, इसको नोएडा में 1 वीक के लिए स्टे किया था। वहाँ सभी ब्रह्मचारी पीडीसी हॉल में 10 बजे तक सोकर 3 बजे उठ जाते थे। तो ये तो बिल्कुल सही है। प्रभुपाद जो है ना उनके शिष्य कुछ 4:30 बजे उठते थे, तो उस पे भी वो बोले ये कोई समय है उठने का, इतने लेट से उठते हैं। एटलीस्ट बोलते 4 बजे उठना चाहिए, प्रभुपाद बोलते एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 4 बजे उठना चाहिए, तो हमको भी उसको मानना चाहिए। ठीक है, तो किसी को कुछ कहना है तो बिल्कुल स्वागत है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रभु जी, जी, जैसे भगवान के लोग कोई पहुंच जाता है तो फिर उधर तो 84 के जो चक्कर मतलब योनि है उससे तो निकल जाएगा, उसको
उसको फिर पेड़ पौधा जीव जंतु कुछ बनना नहीं पड़ेगा, तो फिर भगवान के लोक में फिर जैसे पेड़ पौधा अभी अब जैसे बोले फूल होता है पेड़ होता है, तो फिर तो 84 का चक्कर उधर भी है, वहां 84 है ही नहीं, तो मतलब वो पेड़ पौधा है दिव्य है वो सारे, वो सब इन 84 लाख योनियां जो होती है ना वो उसमें काउंट नहीं होती, वो वहां की चीजें ही अलग है, वहां पे सब दिव्य है, वहां मतलब ऐसा है कि देखो जो जिस सेवा में भगवान की पूजता है ना, जैसे शांत रस होता है, हमने देखा एक वात्सल्य रस होता है, एक जो है ना भगवान से अलग अलग तरह का रस जो हम अपना संबंध स्थापित करते हैं, एक सखा रस जो होता है सखा के रूप में, एक भगवान के दास के रूप में, एक भगवान के माता पिता के रूप में, और एक भगवान के माधुर्य जो प्रेम होता है, जो एक प्रेमिका प्रेमी का संबंध होता है, तो आप जो संबंध स्थापित करते हो ना भगवान से, आपको वहां पे वो रूप में रखा जाता है, ठीक है। अगर आप उनके साथ सखा बनोगे तो वहां जा सखा का आपने यहाँ पे संबंध स्थापित किया तो आप वहां पे एज अ फ्रेंड रहोगे, सुदामा और बाकी जो लोग हैं उन जैसे रहोगे। अगर आपने शांत रस में भगवान को जो है ना सेवा स्वीकार की कि नहीं मेरे को तो भले भगवान का अपना कुर्सी बना दो, बस भगवान के साथ रहना है मेरे को, जो संबंध आपने बनाया आपको वही चीज वहां पे प्राप्त हो जाएगी, आप वहां पे फिर वही रूप में रहोगे। तो आपने अगर भगवान का माता पिता होना स्वीकार किया तो वहां माता पिता के रूप में रहोगे, वहां पे उनका दास के रूप में सोचा भगवान की सेवा तो आप वहां पे दास के रूप में रहोगे। तो जो रूप में आप सोचोगे कि फूल कितना खुश नसीब है जो भगवान के माथे पे पहुंच गया, भगवान के चरणों में ये फूल कितना खुश नसीब है, मैं काश ये फूल ही बन जाऊं एटलीस्ट भगवान के चरणों में सोचाऊं, तो वहां एज अ फूल पहुंच जाओगे आप, फिर उनकी सेवा करोगे फूल बन के, ऐसा होता है प्रभु जी। प्रभु तो जी और जैसे ये वाली श्लोक में ज्यादा खाने वाले को तो मतलब समझ आता है वो योगी नहीं बन, कम खाने वाला क्यों नहीं बन सकता, मतलब जो कम खाता है, क्योंकि एक्चुअल में जो है ना ये कम खाएगा, आज की डेट में जो प्राण स्थित होते हैं ना हमारे, ये इसमें होते हैं नाड़ी में होते हैं मेरे ख्याल से, मसल्स में होते हैं प्राण, नाड़ियों में और मसल्स में। अगर नाड़ी सूख जाएगी मसल सूख जाएगी तो आपकी जो है ना जीवित रहने की संभावना कम हो जाएगी, इसलिए जो है ना आपको खाना थोड़ा तो जरूरी है। पहले के लोग में प्राण रहते थे हड्डियों में सत्युग में, फिर आए जो है ना द्वापर त्रेता युग में, त्रेता युग में किसमें होते थे मैंने लिखा था, मैंने कहीं लिखा था अभी दिख नहीं रहा मेरे को, तो पहले होते थे हड्डियों में, फिर होते हैं प्राण होते हैं किसमें होते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं निकाल के बता दूंगा आपको। तो क्या होता था जिस जिस युग के थे ना आप, उस युग में आपके प्राण वहां रहते थे, तो उस युग में आप चाहे नहीं भी खाओगे ना, हड्डियां बड़ी मुश्किल से आदमी की सूखती थी खरम होती थी, तो हड्डियां जब तक रहती थी तब तक प्राण रहते थे, इसलिए उस युग में नहीं भी खाओ तो भी चलता था। लेकिन अब आज की डेट में नहीं खाओगे तो और योगाभ्यास नहीं कर सकते आप, आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए कम खाना भले लेकिन खाना जरूरी। जी गौतम प्रभु। प्रभु जी कलयुग में शरीर में रहता था, द्वापर युग में रक्त में प्राण रहते थे, और त्रेता में मज्जा मतलब हड्डियों के अंदर रहता था, और सत्युग में हड्डियों में प्राण रहते थे। बहुत सही बताया प्रभु जी ने, एक बार फिर से रिपीट कर दो। कलयुग में शरीर में रहता है प्राण, द्वापर युग में रक्त में प्राण रहते हैं, त्रेता युग में मज्जा हड्डियों के अंदर रहता है, और सतयुग में हड्डियों में प्राण रहता है। मतलब पहले अभी सबसे आखिरी शरीर में, फिर उसके बाद रक्त में, फिर उसके बाद मज्जा में, फिर उसके बाद हड्डियों में, ऐसा ये तो है ना। तो ये है प्रभु जी, इसी कारण जो है ना
मतलब आदमी को खाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के निर्वाह के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। प्रभु जी हरे कृष्ण, इसीलिए ये कलयुग में हड्डी तोड़ी जा रही सबके बिचारे किसी न किसी प्रकार की, जरूरी नहीं है बोन से टूटे, बट फ्रॉम एवरीवेयर, स्पिरिचुअल बोन हो और एनी बोन, मेंटल हो। ठीक है, माता जी मजाक के मूड में। ठीक है, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो क्लास को आज विराम देते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।